अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से आप परफेक्ट मनी का अपना ओल्ड अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, उसको लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर साइन अप और लॉगिन का दो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोगों से यहां पर मेंबर आईडी पूछी जाती है, मेंबर आईडी वो अगर आप लोगों को याद होगी तो आप अपना परफेक्ट मनी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर पासवर्ड याद होगा तब भी आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर पासवर्ड जो है ये आप लोगों को चेक मार्क का भी ऑप्शन दिया गया, इस पर लगा के आप चेक कर सकते हैं, और नीचे कैप्चा दिया गया, कैप्चा फिल करके आप लॉगिन पे क्लिक करके दोनों चीज़ें पुट करने के बाद अपना परफेक्ट मनी अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमें तो मेंबर आईडी याद नहीं है, तो मेंबर आईडी रिकवर करने के लिए सिंपल सा आप लोगों ने वापस आना है। वापस आने के बाद आप लोगों ने सिंपल सा गूगल को ओपन करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है फॉरगॉट परफेक्ट मनी मेंबर आईडी। सिंपल सा जैसे ही सर्च करेंगे पहले नंबर पे आप लोगों को एक वेबसाइट मिल जाएगी, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है रिकवर योर मेंबर आईडी पे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना ईमेल पुट करना है, नीचे ट्यूरिंग नंबर है, ट्यूरिंग नंबर में आप लोगों को ये वाले डिजिट पुट करने हैं जो यहाँ पर शो हो रहे हैं कैप्चे के तौर पर। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल पुट करना है, मैं यहाँ पर अपना ईमेल पुट करता हूँ। ईमेल पुट कर लेने के बाद नीचे ये ट्यूरिंग नंबर जो है ये मैं पुट कर लेता हूँ। एक दो बार अगर ये गलत भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, आप लोग दोबारा भी फिल कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर फिल कर ली हैं, सेंड मेंबर आईडी पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगर कैप्चा ठीक होगा तो आप लोगों की मेम्बर आईडी जो है वो भेज दी जाएगी। तो अभी चेक करते हैं उस ईमेल को, हमें जो है अगर जो हमारी मेम्बर आईडी है वो रिसीव हुई है। तो मैं ईमेल ओपन कर लेता हूँ। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योर मेंबर आईडी हैज़ बीन सेंट टू स्पेसिफाइड ईमेल और क्लिक केयर टू कंटिन्यू लॉगिन। यहाँ पे क्लिक केयर के ऑप्शन दे गया है कि अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर फॉरगॉट मेंबर आईडी का भी ऑप्शन मिल गया है, पासवर्ड का भी, लॉस्ट पासवर्ड का भी, और ट्यूरिंग नंबर का भी, और तमाम इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हमें चाहिए थे ऑप्शन वो तमाम मिल चुके हैं। अब हम ईमेल को ओपन करते हैं और यहाँ पर दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं कि मेंबर आईडी हमें मिल चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफेक्ट मनी की जो मेंबर आईडी है वो यहाँ पर हमें रिसीव हो चुकी है। योर पर्सनल मेंबर आईडी यहाँ पर हमें शो करवाई गई है, और नीचे की तरफ जो है अगर स्क्रॉल करते हैं तो कुछ भी नहीं है। ये जो मेंबर आईडी है इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद अब हम परफेक्ट मनी अकाउंट में आएँगे और यहाँ पर सिंपल सा इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे हम पासवर्ड पेस्ट करेंगे, और पासवर्ड पेस्ट करने के बाद इसको मेंबर आईडी को दोबारा यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। और सिंपल से अब यहाँ पर कैप्चा हमने फिल करना है। कैप्चा में अभी शो नहीं हो रहा, तो जैसे शो होता है तो यहाँ पर हम फिल करते हैं और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। सिंपल सा अब यहाँ पर हम कैप्चा फिल करते हैं, कैप्चा में शो हो चुका है। अगर नेटवर्क का कोई एरर हो तो आप लोगों ने इसे दोबारा जो है कोई वीपीएन वगैरह यूज़ कर लेना है, और उसके बाद सिंपल सा लॉगिन पे क्लिक करते हैं। पेज वेट दिखा रहा है, कैप्चा रॉन्ग है, दोबारा कैप्चा फिल कर लेते हैं 158, और दोबारा लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ईमेल पिन कोड हमसे पूछा जा रहा है, वो पिन कोड हमने यहाँ पे पुट करना है, और उसके बाद हमारा जो परफेक्ट मनी का अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। फाइनली ईमेल पे हमें पिन कोड रिसीव हो चुका है। इस पिन कोड को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और वहाँ पे पेस्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा परफेक्ट मनी का अकाउंट ओपन हो जाएगा। फाइनली मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। अब प्लीज़ वेट दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा परफेक्ट मनी का जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। इस तरह से आप भी अपने परफेक्ट मनी की मेंबर आईडी और पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलते एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।